जय जगन्नाथ। मु दिवाकर दास आपण मानक प्रणाम करुच्छे। 20 अक्टोबर रु 16 नवेम्बर पर्यंत सावधान रहिबाकु पड़िबो चारोटी राशि, कारण 20 रु राजा और सेनापति निज घरे अवस्थान जो राशि परिवर्तन जो सूर्य और मंगल आपण जानी जे कि सूर्य होती राजा आ मंगल होती सेनापति, ये दुईटी ग्रहंकर जो राशि परिवर्तन आसहित निज घरे अवस्थान कारण हेतु चारोटी राशि को सावधान रहा पड़ो। से चारोटी राशि भितर क्यों राशि रही आज आलोचना करवा जहाँ आपणकर स्वास्थ्यगत समस्या देखा जाए ये चारोटी राशि मानकर, तापर बिजनेस क्षेत्र में असफल, तेणु प्रथम आम आलोचना करवा क्यों राशि मानी सूर्यंर आ मंगलंर जो नीच घरे रहीबार जो प्रभावटा पड़ो ताऊँ चारोटी राशि उपर पड़ो। प्रथम राशि हूँ मेष राशि। मेष राशि केन्द्र में चतुर्थ भाग में मंगल, नीचे सप्तम घरे सूर्य, आेणु नीचे थी हेतु सावधान आपण मानक रहा पड़ा। स्वास्थ्यगत समस्या देखा आउ बारंबार गोटे जिनस भल हेले आउ गोटे रोग आपण मानक माड़ बस, कहीं प्रथम राशि हूँ मेष राशि। आउ जो मेष राशि व्यक्तिशेष मानक जहाँ कि सूर्य और मंगल नीच अवस्था जो तार प्रभाव में मेष राशि स्वास्थ्यगत समस्या देखा ता सहित मानसिक अशांति सह लव लाइफ म्यारेज लाइफ कलह आपण मानक रपणकर पार्टनर सहित आपणकर भल पड़ो ना, तो से सावधान रुंतु निजर बाणी को आयत रुंतु जिहा को कंट्रोल रखु, कहीं जीवन साथी सहित ध्यान सहित चलतु। छोट छोट कथार झगड़ा झाटी हो पाए, नुआ काम बिजनेस जदि आप आरंभ करेंगे बिलकुल एवं आरंभ करूँ ना। 20 अक्टोबर रु 16 नवेम्बर पर्यंत जेहेतु सूर्य और मंगल नीच अवस्था रही मेष राशि उपर बहुत प्रभाव पड़े तार, तेणु मोटा अंक पैसा क्योंठ भी लगातु ना। आउ आप मन रखी था घरे निहाती इस समय रे आपण जो देह असुस्थता आउ बिजनेस क्षेत्र में उन्नति पाई आपणकर धनर दुई गुण आउ तापरे आपणकर जो दुर्घटना रही है रोकवाई घरे निहाती भाव में मेष राशि इष्ट होती हनुमंत महाराज, तेणु हनुमान चालीसा निहाती घरे करंतु, सुंदरकांड पाठ निहाती करंतु, बहुत भल प्रभाव पड़ो। 20 अक्टोबर रु 16 नवेम्बर पर्यंत बा जेको समय आप हनुमान चालीसा सुंदरकांड करती आपण घरे बहुत किसी प्रभाव पड़ो। अनेक लोक मैंने जहाँ घर आम सुंदरकांड हनुमान चालीसा करके आसीलु से मैंने एवं फोन कल रे कहते बाबा आप हनुमान चालीसा कर गलापर सुंदरकांड पाठ पर घर निहाती परिवर्तन होती, घर नकारात्मक शक्ति दूर होगा सहित निहाती से मानकर उन्नति होती, यह हूँ हनुमान जी कृपा। तापर राशि हूँ कर्कट राशि। कर्कट राशि द्वितीय राशि जहाँ गला छातीर आपणकर समस्या देखा, दाम्पत्य जीवन खल सहित जान बाहन दुर्घटना, से सावधान रहा पड़ो। तेणु आपण किसी वस्त्र दान कर दिंतु, हलदिया वस्त्र दान करने सहित हनुमान चालीसा सुंदरकांड घरे पाठ निजे करूँ, ना घरे जब पूजा करने चाहते कर्कट राशि आपण घरे पूजा करें। तुला लग्न सूर्य दशम मंगल, तेणु तुला राशि हूँ तृतीय राशि जहाँ यही 20 अक्टोबर रु 16 नवेम्बर पर्यंत बहुत आपणकर खराब रहा, कहीं सूर्य मंगल नीच अवस्था आपण राशि उपर पड़ी, तेणु तुला राशि व्यक्ति से माने बड़ बड़ जगार पैसा लगे पूर्व सावधान रुंतु, से हनुमान जी दर्शन करने सहित मन रखि था घर सुंदरकांड पाठ करूँ, कहीं मंगलंर जदि नीच अवस्था कौन सुधार आने आप चाहते हनुमान जी हूँ इष्ट तर उपचार आप कर। तापर राशि हूँ मकर राशि। सप्तम घरे नीचे मंगल थी हेतु दशम सूर्य, तेणु आपण पैसा क्योंठ भी लगातु ना, आपण लालसा बिलकुल भी पड़ू ना। मकर राशि बहुत लालसा पड़ती, कहीं जब आशा देदे फसीगले, तेणु से मकर राशि बहुत सरल विश्वास होता, तेणु से सवधान रुंतु। आपण को यूरीन इनफेक्शन आ गैस जनित समस्या आपको देखा, इन्हें बहुत गरम सही पारे कि शीत सही पारती मकर राशि व्यक्तिशेष मान, तो से सवधान रुहतु। आसहित कापर विश्वास करने पूर्व सहेपार चिंता करूँ, संसार तो बड़ विचित्र हो गला, तेणु कि मकर राशि व्यक्ति बहुत थर धोखा खाती जहाँपाई जिते कले भी पर समय से निंदा ही शुणी, तेणु जो चारोटी राशि कथा कहलु 20 अक्टोबर रु 16 नवेम्बर पर्यंत सावधान रहा पड़ो। प्रथम राशि मेष राशि, तापर द्वितीय हूँ कर्कट राशि, तृतीय तुला, तापर चतुर्थ हूँ मकर राशि। चारोटी राशि सावधान रुंतु, वीडियो को शेयर करूँ, हे तो अन्य मानक कार्य लगे निश्चिंत प्रतिकार कर आउ प्रतिकार स्वरूप जहाँ आम कहलु ताश्चिंत लाभवान हो पारे, आउ निश्चिंत समस्या समाधान से पारे, आउ निश्चिंत आनंद रही पारे। भक्तबंधु वीडियो को शेयर करने सहित चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, एम किसी वास्तुशास्त्र ज्योतिषास्त्र सहित मालिकार किसी कथ महाप्रभुं किसी कथ शुणापी
ଭାବ ଦିବାକର ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାବରେ ଭାବରେ ଶୁଣିବା କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତା 26 ଅକ୍ଟୋବର ଶନିବାର କାର୍ତ୍ତିକ କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ, ଏ ଅଧମର ଜନ୍ମଦିନ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଯାହା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକ ବାଲିଆ ଗୋପୀନାଥପୁରରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଝୁଲା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ 35 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆୟୁଷରୁ ଫେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେହିଦିନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କର ପୂଜା, ଆଉ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଆଉ ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜନ କରାଯିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାବଳି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଦାନ ପଠାନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାଲିଥିବା ସ୍କିମ୍ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଚାଲିଛି ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରି ଆପଣ ଦାନ ପଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଆପଣ ଦାନ ପଠାଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁ ଦାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ପୂଜନ ସହିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଗୋପୂଜନ, ଏସବୁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ଜନ୍ମଦିନ ତ କେବଳ ମନେଇବା ଗୋଟେ ବାହାନା, କେବଳ କିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅବସର। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବ ଦିବାକର ଚ୍ୟାନେଲର ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଏ ଅଧମର ଜନ୍ମଦିନ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବେ। ଯଦି ଆପଣ କଟକକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କଟକର ଓମ୍ପିରୁ ବାଲିଆ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆପଣ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବେ, ବାଲିଆ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଆପଣ ଝୁଲା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପଚାରିଯିବେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆ ଗୋପୀନାଥପୁର। ଆପଣ କଟକ ଓମ୍ପିରୁ ମାତ୍ର 26 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ବାଲିଆ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିଲା 26 ଅକ୍ଟୋବର ଶନିବାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦାନ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଜନ୍ମଦିନରେ ଭାବ ଦେବାକର ଚ୍ୟାନେଲର ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ନିହାତି କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ଦାନ ଆପଣ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ।